हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये आपकी जो है अरेंजमेंट क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपकी जो है केमिस्ट्री की क्लास 12th क्लास होनी थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। तो बच्चों, आज भी हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलीय कोष के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव कितना होता है? वट इज द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। क्या कहा है आपसे, पूछा है कि एक आवेशित खोखला जो है गोला है, तो कि गोलीय कोश है, आवेशित खोखला गोलीय कोश। अब आपसे पूछा है कि जो है इसके केंद्र पर यानी इसके जो सेंटर है यहाँ पर जो है इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान कितना होगा, और साथ ही साथ आपसे पूछा है कि यहाँ पर विभव कितना होगा यानी विद्युत विभव कितना है। अब हम गोलीय कोश की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो गोला है वो कैसा है, एक कोश है, हॉलो है, और आवेश कहाँ पर स्थित है, आवेश इसकी सतह पर स्थित होंगे कुछ इस तरीके से, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे आपका आवेश नहीं होगा। तो जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा तो यहाँ पे आपकी जो E की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो आपकी जीरो होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, यानी एक नियतांक हो या एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका ये स्फेरिकल शेल है, गोलीय कोश है, इसमें जो आपका चार्ज होगा वो सतह पर ही यानी सरफेस पर ही जो है स्प्रेड होगा, उसी पर होगा, भीतर या इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, इसलिए ई की वैल्यू जीरो होगी और वी आपका नियतांक। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इंटेंसिटी क्या होगी और पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से पूछा है, तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर द चार्ज इज स्प्रेड over the shell and is not and the shell is hollow from inside so the electric field inside the shell is zero and therefore the potential of the electric field is constant, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, खोखले गोलीय कोश के केस में
आवेश, खोल में विद्यमान होता तथा यह खोल भीतर से खोखला होता और यहां किसी भी प्रकार का आवेश विद्यमान नहीं होता है इसलिए खोखले गोले कोश केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तथा विद्युत विभव नियत होता है, एक नियतांक होता ठीक है, नोट कर। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है, परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य कालांतर क्या हो? पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ द, क्या कहा है? कहा ही गया है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कितना है? 0.5। और क्या कहा गया है? जो अब आपका जो धारा है और जो वोल्टेज है यानी करंट और वोल्टेज है इनके बीच का फेज डिफरेंस आपको निकालना। तो सबसे पहले इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक ठीक है, पावर फैक्टर दिया गया है कितना है आपका? 0.5 ठीक है, नोट कीजिए इसे, ये आपका दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है? फेज डिफरेंस। तो आपका जो पावर फैक्टर होता है ये है 0.5 और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस फाई यानी 0.5। तो कॉस फाई को आप लिख सकते हैं 5/10 यानी 1/2 1/2 ठीक है। अब कॉस फाई कितना 1/2 होता है? कॉस फाई यानी कॉस
पाई बाय जो 3 होता है वो आपका क्या होता है, 1/2 होता है, यानी फाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस आया है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, वो आया है पाई बाय 3। तो आप लिखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री। तो आप लिखेंगे वोल्टेज तथा धारा के बीच में 60 डिग्री या पाई बाय 3 का कालांतर है। ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को एक तरल पदार्थ में डुबोया जाता है। एक उत्तल लेंस है, उसे क्या किया जाता है, एक लिक्विड में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। यानी जो लिक्विड है, जो तरल है और जो लेंस है, दोनों का अपवर्तनांक यानी म्यू का मान बराबर है। तो फिर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी यहाँ पे आपको इसकी एफ क्या मान निकालना। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens. Then, what is its focal length? तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो आपका लेंस है और जिस लिक्विड में लेंस को रखा गया है, दोनों के म्यू का मान सेम है, यानी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक सेम। ठीक है, तो इस कंडीशन को लेते हुए आपको बताना है कि जो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी वो कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूले से आप लिखेंगे बाय लेंस मेकर फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन 1/r1 - 1/r2 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे जो म्यू होता है, म्यू एक्चुअली क्या होता है, μ2/μ1। ठीक है, क्या होता है आपका μ1/μ2 होता है, μ1/μ2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर लिख देंगे इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास आ जाएगा 1/f = μ1/μ2 - 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पर जो म्यू वन और म्यू टू क्या है, आपके अपवर्तनांक है, यानी म्यू वन जैसे कि आपका लिक्विड का तरल का अपवर्तनांक है और म्यू टू क्या है, लेंस। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि दोनों का अपवर्तनांक सेम है। क्या कहा गया है, म्यू वन बराबर है म्यू टू के। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप म्यू वन म्यू टू के बराबर लिख लेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = μ1/μ1 लिख लीजिए -1, क्योंकि म्यू टू की जगह हमने म्यू वन लगा दिया है, 1/r1 - 1/r2 कैंसिल हुआ 1 आएगा, तो 1/f = 1 - 1/r1 - 1/r2। अब 1 - 1 0 होता है, 1/f = 0 इंटू ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। अब 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 0 आता है, यानी 1/f बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है,
या हम कह सकते हैं कि f बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है इसकी जो फोकल लेंथ आएगी, फोकस दूरी आएगी, वो इन्फिनिटी आएगी यानी अनंत आएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इन्फिनिटी, यानी संयोजन की फोकस दूरी अनंत है, इन्फिनिटी है या अनंत है। ठीक है, तो ये आपका एफ का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किसी अर्ध तरंग दिष्टकरण में निर्गत निर्गम आवृत्ति क्या होगी यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50। क्या कहा है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, अर्ध तरंग दिष्टकरण है, तो इसमें जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है, इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकरण की निवेशी आवृत्ति कितनी दी है। पचास हर्ट्ज क्या कहा है, कौन सा है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की एक क्वालिटी होती है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, सेम होती है। तो हम क्या जानते हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हमें पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में यानी अर्ध तरंग दिष्टकरण में जो निर्गम आवृत्ति होती है वो बराबर होती है निवेशी आवृत्ति की। यानी जो आपकी निर्गम आवृत्ति होगी, यानी जो सॉरी जो आपकी निर्गम आवृत्ति होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितनी होगी आपकी 50। तो आप लिखेंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज। निर्गम आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है। क्या कहा है, एक घन है, ठीक है, क्यूब है, एल भुजा वाला, उसके सेंटर पे एक आवेश रखा गया है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी हर एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये आपसे पूछा।
A charge Q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through each face of the? क्या कहा है? एक घन. ठीक है, क्या कहा है कि इसके क्या किया गया, इसके सेंटर पे यहाँ पे एक आवेश रखा गया. अब इस आवेश से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी. तो आपसे पूछा है कि हर एक फेस से कितनी फील्ड निकले. अब मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक गॉसियन सरफेस है, गॉसिय पृष्ठ है. अगर हम इसके एक सतह की बात करें तो एक सरफेस से जो फील्ड निकलेगी, ठीक है, उसका जो फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा, लिख लेते हैं. हम ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर द क्यूब बी अ गॉशियन सरफेस मान लीजिए घन एक गौशिय पृष्ठ है. फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, यानी एक सतह से जो आपकी जो एक सतह है, इनमें से एक सतह से फ्लक्स पास होगी, ठीक है, एक सतह से गुजरने वाली फ्लक्स 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 यानी जो फाई होगा उसका फॉर्मूला हम माने थे क्यू अपॉन एप्साइलन. अब यहां पे हम एक सतह से, अब अगर हम बात करें जो आपकी एक सतह से ये होगी, अब जो गौशिय पृष्ठ है यहाँ पे इसकी कितनी सतह है, छह सतह. तो छह सतह से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप लिखेंगे प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स छह फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो आपका जाएगा फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट, यानी जो यहाँ पे फाइव डैश जाएगा वो आपका इतना. ठीक है, नोट कीजिए. अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो आपका अगला प्रश्न है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है. क्या कहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो सेम है. किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य छोटी है और क्यों? कहा है कि दोनों में से किसकी डी ब्रोगली तरंग जो है वो छोटी होगी और क्यों. अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड व्हाई. अब यहाँ पे अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें तो वो होता है आपका लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर द रूट एम ई ई. यहाँ पे एच आपका एक नियतांक है, अंडर द रूट टू एम भी नियतांक, टू ई भी नियतांक है, तो क्या बचा आपका एम. तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है यानी वेव लेंथ है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, एम यानी मास के ऊपर. मास किसका, पार्टिकल का मास, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मास. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास यानी द्रव्यमान प्रोटॉन के कंपैरिजन में
कम होता है। अब लैम्डा जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट एम के। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास कम है ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी। वहीं प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की सॉरी प्रोटॉन का लैम्डा क्या होगा आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि इनमें से किसका स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगा ठीक है, क्योंकि इसका मास कम जो है मास कम है तो इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो बड़ा हो, किसका इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन का कम हो ठीक है। अब आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज द लार्जर वेवलेंथ, क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। रीजन डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर द रूट 2 ME। यहाँ पे लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के यानी द्रव्यमान, किसके लिए, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी यानी एक ही काइनेटिक एनर्जी। एज एन इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉलर मास, क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कम है देन प्रोटॉन, किससे, प्रोटॉन से। एंड इलेक्ट्रॉन हैज लार्जर डी ब्रोगली वेवलेंथ देन प्रोटॉन, और क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन से कैसा है, ज्यादा है, किसके लिए, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना है कि कम किसका है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, कम है, वही इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होगा, ज्यादा ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है, क्या कहा है कि कैपेसिटर है उनके बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच d/2 मोटाई की एक धातु की प्लेट रखी है। जो आपके d/2 मोटाई की जो संधारित्र है उसके बीच में क्या रखी है, एक धातु की प्लेट। धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा है। The distance between the plates of a parallel plate capacitor is d. A metal plate of thickness d/2 is placed between the plates. What will be the effect of the on the capacitance? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको क्या कहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में हमने एक मेटल प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस d/2 है, तो कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव, ठीक है। अब जब आपके पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है उस समय जो कैपेसिटेंस होगा ठीक है, धारिता होगी वो कितनी होगी, आप लिखेंगे एक समानांतर प्लेट संधारित्र के एक समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता एप्साइलन नॉट a/d होती है। अब हमने बीच में प्लेट डाल दी जिसकी थिकनेस d/2। अब हम करते हैं क्या करते हैं, जो आपका नया कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो हो जाएगी वो हम हमारी क्या जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a/d/2, क्योंकि हाफ हो गया तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट a/d, और ये किसके बराबर है आपका c के बराबर है, c मान लीजिए तो ये ट्वाइस c आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है धारिता है वो कैसी हो गई, दुगनी हो गई ठीक है। तो आप लिखेंगे द कैपेसिटेंस will become double, धारिता दुगनी हो जाएगी।
ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने कुछ आपके क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।